In the last video, we have learned that there are two types of organization structure, functional structure and divisional structure. In the last video, you have understood functional structure. Now, today we will learn divisional structure. What is this divisional structure? When jobs related to one product are grouped under one department, it is termed as divisional structure. जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स उसके प्रोडक्ट की बेसिस पर होते हैं तो हम उसे कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमें डिविजनल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि वे बहुत सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी सी एग्जांपल्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। यह डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट की बेसिस पर या फिर टेरिटरी की बेसिस पर या सर्विस की बेसिस पर हो सकता है। फर्स्ट वी सी डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट होगा, जैसे यहाँ पर है मैनेजिंग डायरेक्टर, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सभी प्रोडक्ट लाइन्स को कंट्रोल करेगा। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फोर प्रोडक्ट लाइन्स हैं। हर प्रोडक्ट लाइन एक डिपार्टमेंट, एक डिविजन, एक यूनिट है, जैसे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, गारमेंट डिपार्टमेंट, फुटवेयर डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट मैनेजर होगा। यह मैनेजर इस डिपार्टमेंट में होने वाले सभी फंक्शन, सभी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के फंक्शंस होंगे प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग। यही सेम फंक्शंस आपको गारमेंट, फुटवेयर और केमिकल डिपार्टमेंट में भी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन वुड डिफर फ्रॉम गारमेंट सेक्शन टू द फुटवेयर। इसी तरह फाइनेंस भी हमें अलग अलग तरीके का इन डिपार्टमेंट्स में लगेगा, मार्केटिंग भी अलग तरीके की होगी, इसलिए सभी फंक्शन सेपरेटली किए जाएंगे। हर डिविजनल स्ट्रक्चर में हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर भी देखने के लिए मिलता है। नाउ वी सी डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी। यहाँ एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। अब यह बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी हो सकता है। हमने अपने टोटल मार्केट को कुछ डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ईस्टर्न डिविजन, वेस्टर्न डिविजन, सेंट्रल डिविजन। हर एक डिवीजन के लिए कुछ ब्रांचेज होगी, जैसे वेस्टर्न डिवीजन में है ब्रांच यूनिट 1, ब्रांच यूनिट 2, ब्रांच यूनिट 3। इसी तरह ब्रांचेज ईस्टर्न डिवीजन और सेंट्रल डिवीजन के लिए भी होगी। अब हर एक ब्रांच यूनिट में कुछ फंक्शंस होंगे, यह फंक्शन सेपरेटली हर ब्रांच अपने लिए करेगी। नाउ द डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज। Now, our services are provided in India, suppose only. So, LIC, Life Insurance Corporation of India. LIC ने अपने total Indian market को कुछ divisions में divide किया है, जैसे ये है division 1, division 2, division 3. हर division में कुछ branches हैं, जैसे branch 1, branch 2, branch 3 under division 2. हर branches में insurance से related functions separately किए जाएंगे। जैसे इंश्योरेंस के फंक्शंस होते हैं न्यू पॉलिसी डिपार्टमेंट, प्रीमियम कलेक्शन डिपार्टमेंट, क्लेम एडजस्टमेंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इस तरह हमें इस डिवीजन में भी फंक्शनल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। नाउ वी सी मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू डिविजनल स्ट्रक्चर। द फर्स्ट इज सुटेबिलिटी। इन केस ऑफ लार्ज वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर तब सुटेबल है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सेकेंड, इन केस ऑफ प्लान टू ऐड मोर डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि वे फ्यूचर में न्यू प्रोडक्ट लाइन्स, न्यू सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तब वे डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। द थर्ड, वेन प्रॉफिट और लॉस टू बी डिटरमाइंड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, जब ऑर्गेनाइजेशन अपने हर डिपार्टमेंट, हर प्रोडक्ट लाइन के लिए सेपरेटली प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहती है, तब डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल है। नाउ एडवांटेजेस। द फर्स्ट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करने से ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है।
जैसे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक डिवीजन, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हर फंक्शन इसका कंसर्न मैनेजर और उसकी टीम मिलकर साथ में करते हैं। तो पूरी टीम मेंबर्स को इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हर फंक्शन का नॉलेज होता है, एक्सपर्टाइज होती है, जिससे इस प्रोडक्ट के लिए उनका स्पेशलाइजेशन होता है। इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। द सेकेंड इज ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स द आंसरेबिलिटी। अब हर प्रोडक्ट लाइन के लिए उसका इंचार्ज अकाउंटेबल है, आंसरेबल है। हर डिपार्टमेंट एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर कंसिडर किया जाता है, यानी यह मैनेजर इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कॉस्ट, प्रॉफिट और लॉसेस का कैलकुलेशन करेगा और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। द थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोनॉमस यूनिट इनिशिएटिव। अब हर डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंटल मैनेजर और उसकी पूरी टीम इनिशिएटिव लेगी। इस मैनेजर के पास कुछ ऑटोनॉमस पावर्स भी होंगे, यानी इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सभी डिसीजंस यह मैनेजर ले सकता है और उसे क्विकली इंप्लीमेंट भी कर सकता है। द फोर्थ इज एक्सपांशन एंड ग्रोथ। डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करने से ऑर्गेनाइजेशन क्विकली एक्सपांड कर सकती है। एक्सपांशन मतलब सेम प्रोडक्ट लाइन को लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर सकती है, अपना टोटल प्रोडक्शन और सेल किसी भी प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज कर सकती है। इसी तरह अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकती है, डाइवर्सिफाई कर सकती है। इसका मतलब ओल्ड प्रोडक्ट लाइंस को डिस्टर्ब किए बिना न्यू प्रोडक्ट लाइंस, न्यू सर्विस लाइंस भी स्टार्ट कर सकती है। नाउ वी सी डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। अब टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सभी प्रोडक्ट डिविजन्स डिपार्टमेंट्स को फंड अलोकेट करते हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने डिपार्टमेंट, अपनी प्रोडक्ट लाइन के लिए ज़्यादा फंड्स चाहता है ताकि उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हो, उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो। इसलिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं। द सेकेंड इज कॉस्टली। अब हर एक डिपार्टमेंट प्रोडक्ट डिवीजन के लिए हर एक एक्टिविटी सेपरेटली होती है, उनके पास अपने रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, मशीन एंड इक्विपमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स। वे कोई भी फंक्शन दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर नहीं करते, जिससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। द थर्ड इज इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। हर डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने डिपार्टमेंट, अपनी प्रोडक्ट लाइन को बेस्ट प्रूफ करने में लगा रहता है। वे केवल अपने ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड कंसर्न रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को कंसिडर ही नहीं करते, जिससे कई बार टॉप मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता। I hope you have understood divisional structure well. If you like this video, like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get latest notifications. Thank you.